और आजकल जैसी गाली ना गाए, और आजकल तो इतनी करवी करवी गारी गाती है तो मुंह में उन्हें तो आजकल जैसी गाली ना गाते, आजकल कैसी गाली गाती तो जब बरात वाले खाए को उठे तुझे गाली गाती, अरे काए उठे बैठे एक गाली गाती है जब लड़का को दरवाजो हो तो सतगतिया साधन मारे जे सात मां पके तो मांगते हम देखते जो मोर मांग के लाए जू मांग के लाए जू मांग के लाए एक गाली समझन गाते हैं अपने समझी के लाए सारे समझी तेरे जैसे लड़का के तेरे पे परेशान बोली राम से राम तुमसे नितया थी जो मेहमान हमारे घर हरे हरे हमारे घर विद्या के सनी तुमसे नितया थी जो मेहमान लेन देन को कुछ न हम पे हमें खा लिया हाँ लेन देन को कुछ न हम पे हमें से नित आवे जो मेहमान हमारे घर विद्या के धनी तुमसे नित आवे मेहमान जो ये बात कही तो एक लड़की बोली तब तक तो चिल्ला ही रहे लेकिन लड़का की तरफ से कोई बोलती नहीं दूसरी कार लगी तो अकल है मुझे कहा तो अगान से बोलेंगे कि चिल्ला ही है जवाब दो कुछ कहो बा लड़की बोली राम बोलो अब बोले क्या हमें ये बताओ कि अयोध्या में क्या होता है बोले हमें क्या पता आप बता मतलब सुनो श्री राम जो यज्ञ की खीर से पैदा थे और बे बात लेके बा लड़की बोली तीर से होते और नहीं तकदीर से होते अरे भाई अब बदपुरी में लड़का पैदा होते बदपुरी में लड़का पैदा तीर से होते जो ये बात लक्ष्मण ने सुनी बोले भैया हम रुको ना जाता तो बोले हम तुम का कहो तुम कुछ कहे दे तो जब आग दिया क्यों तुमने ये बताया अयोध्या में क्या होता है उसी जनकपुर में क्या होता है वो भी बताओ लड़की बोली हमें क्या पता था तुम बताओ लक्ष्मण बोले सुना दिया सीता जी जो जमीन से पैदा थी उस बात को लेकर के लक्ष्मण बोले सो बिटरिया सब शांत हो गई जवाब दो बहन तब से जब बोलना है रहे लेकिन अब इनसे पेश ना आ जाइए सो सब शांत हो गई बड़ी हंसी खुशी के साथ में शादी हुई।